वेलकम बैक। तो आज हम प्ले करने जा रहे हैं जेंसिन इम्पैक्ट। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि उस जादुई वीणा को चर्च के सीक्रेट जगह से चोरी कर लिया गया एंड हमने उस वीणा को वापस से ढूंढ के लाया एंड जो शख्स ड्रैगन के पास में खड़ा था हमने उस वीणा को उसे वापस कर दिया एंड इसी वक्त हमें एम्बर ने बुलाया किसी काम से, तो चलते हैं उसे बात करते हैं। तो यहां पर हमें एम्बर बता रही है कि हमें बनाना पड़ेगा अपना लाइसेंस, एंड ऐसा वैसा लाइसेंस नहीं, ग्लाइडिंग लाइसेंस, जो हम ग्लाइड करते हैं ना उसका लाइसेंस। तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट पार करना पड़ेगा, तो देखते हैं भाई हमारा टेस्ट क्या है। ओके, तो हमारा टेस्ट 3 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा एंड हमें इस व्हाइट रिंग्स से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमें पुश करता है आगे की ओर जाने में। एंड भाई हमें ऐसे ही गोल्डन रिंग्स इकट्ठा करना पड़ेगा एंड ये जो हवा का पंप है ये हमें ऊपर में मेंटेन रखने में हेल्प करेगी। तो चलो भाई करते हैं। ये टेस्ट हमें ग्लाइडिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है कि हम किस तरह से ग्लाइड कर पाते हैं एंड हमको लेफ्ट राइट मूव करने में भी बहुत आसानी होती है। एंड हमारा जो ग्लाइडिंग टेस्ट है उसको चेक भी हमारी एम्बर ही कर रही है, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है उसको भी एम्बर संभाल लेगी। एंड ये मॉन्स्टेंट सिटी का लॉ भी बहुत अजीब है क्योंकि ग्लाइडिंग में भी लाइसेंस बनता है भाई, बताओ। बट कोई बात नहीं गाइस, अभी तक मैंने 9 रिंग्स इकट्ठे कर लिए हैं एंड मुझे पंप की तरफ जल्दी से जाना है एंड मैं इन तीनों रिंग्स को भी इकट्ठा कर लेता हूँ। ओके, एक रह गया तो मुझे पंप की तरफ जाना पड़ेगा, बहुत सही। अब इसको भी मैं जल्दी से इकट्ठा कर लेता हूँ एंड भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो नीचे चलते हैं एंड एम्बर से ही बात कर लेते हैं। ओ नहीं गाइस, हमें ऊपर चलना पड़ेगा एंड हमें उस रिंग्स के थ्रू उस वाले बिल्डिंग में चलना था यार। चलो कोई बात नहीं, यहीं से चलते हैं क्योंकि मुझे अब दोबारा से उस पंप में नहीं जाना है। तो मैं बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ एंड करते हैं भाई एम्बर से बात। ओके, तो एम्बर ने हमें भाई सारा रूल समझा दिया कि ये हमारा फाइनल टेस्ट होने वाला है एंड हमें इनको भी जल्दी से पार करना पड़ेगा एंड तभी हमारा लाइसेंस बन पाएगा। तो मैं जल्दी से गोल्डन रिंग्स को कलेक्ट करता हूँ एंड भाई मजा तो आ रहा है इसको कलेक्ट करने में। एंड ऊपर में आप लोग टाइम देख पा रहे हो, हमको जो है 1 मिनट के अंदर गति इसे पार करना पड़ेगा एंड 20 सेकंड तो ऐसे ही चले गए। तो जल्दी से मैं इसको पार करता हूँ जितने भी गोल्डन रिंग्स है उन सबको एंड हमें ये पंप भी काफ़ी हेल्प कर रही है ऊपर स्टेबल रखने में। तो ओके, ये क्या हुआ भाई? ओके, तो हमको किसी ने नीचे बुलाया। ओ भाई, ये तो यहाँ का सिपाही है, यानी कि पुलिस कर्मी बोल सकते हो आप अपनी भाषा में। एंड भाई घर बना नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए, ये हमें लाइसेंस बना नहीं कि ये लोग लूटने आ गए, सॉरी मतलब लाइसेंस मंग रही है हमें उड़ने का। ओके, तो एम्बर ने सही वक्त में आकर बात को संभाल लिया यार, नहीं तो हम लोग तो फंस ही जाते अभी। ओके, तो ये शख्स हमें किसी रैप्टर नाम के क्रिमिनल का साथी समझ रहा है, मतलब वो यहाँ पर एक रैप्टर नाम का क्रिमिनल भी है जो ग्लाइड करके अपने क्राइम को अंजाम देता है। तो हमें जो है उस रैप्टर को पकड़ के अपना बेगुनाही साबित करना पड़ेगा एंड तभी हमारा एग्जाम वो भी क्लियर हो जाएगा एंड हमारा लाइसेंस भी बन जाएगा। तो सही है यार, चलते हैं उस क्रिमिनल को पकड़ते हैं। एंड ये जो शख्स था अभी, उसने रैप्टर को ट्रैक किया है तो उसने हमें उसका लोकेशन दे दिया है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे शायद हमें रैप्टर का कोई क्लू मिल जाए। तो हमें सबसे पहले इस लेक को पार करना पड़ेगा एंड आई नो मैं पूरे रास्ते तक तो ग्लाइड नहीं कर पाऊंगा, तो हमें पानी में उतरना ही पड़ेगा एंड यहाँ से भाई मुझे तैर कर आगे जाना पड़ेगा। तो तैरते हैं उसमें क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपने निशान की तरफ एंड यहाँ पे हमें क्लू ढूंढने पड़ेंगे उस रैप्टर के होने का। एंड मैं अपनी काइनेटिक पावर से भी इसको पता नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि वो तो भाई ग्लाइड करता है एंड मैं जो है फुटप्रिंट से ही ढूंढ पाता हूँ, तो मुझे ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं भाई। ओ क्लू तो हमें ऐसी ही मिल गई चमकती हुई, काश यार रियल जिंदगी में भी क्लू उस ऐसी चमकती हुई मिले। ये तो एक लकड़ी का टुकड़ा है यानी टूटी हुई शाखा, तो हमें रैप्टर का कोई दूसरा क्लू ढूंढना पड़ेगा, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं आगे। ओके, तो सामने में एक और क्लू है, तो देखते हैं वो क्या है। ओ ये तो एक कपड़े का टुकड़ा है, मेरे ख्याल से ये ना रैप्टर के ग्लाइडर का एक टुकड़ा होगा एंड ये इस तरफ आया मतलब रैप्टर भी आगे ही होगा। तो जल्दी से चलते हैं भाई, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा हमसे। ओके, यहाँ पर देखते हैं और भी हमें कुछ पता लग जाए उसके बारे में, शायद और भी कोई दूसरा क्लू मिल जाए उस क्रिमिनल के बारे में, तो उसको पकड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड हमको किसने किडनैप कर लिया भाई, कोई रैप्टर वैप्टर तो नहीं हुई? नहीं, ये तो कोई मोहतरमा है। एंड भाई ये कर क्या रही है? ओके, तो भाई ये तो, ओ भाई नेक्स्ट लेवल। तो ये मोहतरमा भाई हंटिंग करने की ट्राई कर रही है।
ओके तो ये मोहतरमा हंटिंग करने की ट्राई कर रही है एंड इनसे हो नहीं पा रहा है हंटिंग, तो ये तो उल्टा हमें ही बोल रही है हंटिंग करने के लिए, अगर हमने इसके लिए हंटिंग किया तो ये हमको बढ़िया बढ़िया खाना वाना खिलाएगी वगैरह वगैरह। अभी हम लोग किसी और मिशन पे हैं तो इसका काम हम लोग बाद में कर लेंगे, तो अभी चलते हैं भाई अपने मिशन की तरफ। ओ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लगता है भाई उन कैनिबल्स ने किसी विक्टिम को अपने खाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो मुझे उससे जल्दी से फ्री कर लेना पड़ेगा, मैं सबको फिनिश कर देता हूँ, वैसे भी दो ही है भाई। वो जो विक्टिम है वो भी इनसे लड़ भी नहीं पाता, पता नहीं क्या है। ओके ये तो मेरे सामने ही आ गया, वैसे एरो से भी अच्छा डैमेज जा रहा है। ओ सिट 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 सिट, ये तो ऊपर ही आ गया। ओ भाई फिसल भी गया, चलो सही है। ओके ये पूरा ही ऊपर आ गया, बट इसको तो मैं एरो से ही फिनिश कर दूंगा, अपने क्रॉसबो में दम तो बहुत है। एंड ये लास्ट एरो एंड हमारा कैनिबल फिनिश्ड, तो दूसरे को देखते हैं भाई कहाँ पे है, ये सब ले जा रहा है ये। तो यहाँ से मुझे अच्छा मौका मिला है इसे फिनिश करने का, क्योंकि ये मुझ पे अटैक ही नहीं कर पा रहा है डैमेज देने में। ओ भाई ढाल बीच में आ रहा है एंड यार इसने हमें डैमेज दे दिया, और एक ही बार में इसका डैमेज इतना ज्यादा क्यों। तो भाई इसके लिए तो अपना स्कारलेट ही बेस्ट है, क्योंकि इसके तलवार के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। एंड फिनिश भाई, तो हमने बचा लिया है भाई उस शख्स को एंड बात करके देखते हैं। ओके तो मैंने इससे बात कर ली है भाई एंड ये शख्स जो है अपने गांव से दूर थोड़ा सा ही दूर कुछ टेंट वेंट लगा के, इसके साथ कुछ और भी लोग रहते हैं उसके साथ रहता है। एंड भाई ये जो है अपनी घर तरफ से सामान लेकर आ रहा था एंड इसके ऊपर भाई वो रैप्टर गिर गया अपने ग्लाइडर के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि उसका ग्लाइडर फटा हुआ था एंड भाई इस कारण से वो इसके ऊपर गिर गया। तो डोंट वरी भाई, आपके सामान का जितना भी नुकसान हुआ वो मोस्ट टेंट वाले कर देंगे भरपाई। एंड इसने बताया भाई कि वो जो रैप्टर वो कहां गया, किस ओर गया, तो हम लोग भी चलते हैं भाई उसी तरफ। वो भाई लगता है रैप्टर को पता लग गया कि हम लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उसने अपना आदमी बिठा रखा है यहां पे, तो मुझे इन सबको जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा। एंड भाई ये लोग तो काफी तगड़े लड़ने वाले हैं, मतलब अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं भाई मुझे तो। एंड इसमें से एक जो सबसे बड़ा है मोटा है उसके पास तो अलग ही लेवल का पावर है भाई, वो नीचे से कुछ निकालता है एंड वो जो है आइस वाला पावर में तब्दील हो जाता है। तो लो भाई मेरा पावर लो अब तुम लोग। वेल गाइस तो मैंने इन सबको फिनिश कर दिया एंड मैंने रैप्टर का भी लोकेशन का पता लगा लिया है, तो चलते हैं भाई उसके पास। ओके तो लगता है यही है रैप्टर का सीक्रेट लोकेशन, तो चलते हैं इसके अंदर एंड देखते हैं क्या है एंड कहाँ छुप के बैठा है रैप्टर। ओके तो यहाँ पे नीचे में एनिमीज है एंड हमें ग्लाइड करते हुए जाना पड़ेगा एंड एम्बर भी हमें बोल रही है कि हमने जहाँ से अपना एग्जाम छोड़ा था वहीं से हम लोग यहीं पे ही पूरा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम को जो है ऐसा ही कुछ डिजाइन किया जाता है एंड यहाँ पे भी हम अपना एग्जाम जो बचा हुआ था उसको पूरा कर सकते हैं। एंड एम्बर हमें इसकी गारंटी देता है क्योंकि वो ही हमारा लाइसेंस बनवाने वाली है, ये बोल कि इसको तुम लोग फिनिश कर लो एंड तुम्हारा जो लाइसेंस है वो मॉन्स्टाइन में बनके रेडी हो जाएगा। एंड लिटरली मैं पहले जैसा एग्जाम दे रहा था ना, ये तो उससे भी ज्यादा मजेदार है, मतलब नीचे में बॉम्ब फोड़ते रहो एनिमी को ठोकते रहो, वाओ कितना ज्यादा मजेदार है यार ये तो। तो यहाँ पे भी एक है तो इसको भी फिनिश करते हैं एंड मेरा जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो हमें बार बार उसी पंप पे वापस आना पड़ता है जो कि हमारा डिस्टेंस स्टेबल रखता है, और ये काफी अच्छी बात भी है। तो हमने ऑलमोस्ट सभी एनिमी को फिनिश कर लिया है एंड हमारा जो डोर है वो भी ओपन हो गया है एंड हमारा एग्जाम यहाँ भी चालू है, तो हमको इसे भी पार करना पड़ेगा। एंड भाई इसे कैसे पार करें, हम तो बहुत ही नीचे एंड सिट सिट, बट गाइस हमारा चेक पॉइंट क्लियर हो गया था इसलिए हमने पार कर लिया इसको। एनिमी तो बहुत सारे हैं बट मैं सबको ही ग्लाइड करके ही फिनिश करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा लाइसेंस इसी के थ्रू तो बनने वाला है, तो सबको एक एक करके फिनिश करूंगा एंड किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एक बच गया ना पीछे, तो अभी आता हूँ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तो वहीं बैठे रहे पहरेदार। और लो भाई चलो ये भी फिनिश। एंड भाई कौन है जो एक साथ सात आठ वेपन चला रहा है, भाई कमाल का वेपन लेके पकड़ा यार वो तो, बट मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, इसको भी फिनिश करते हैं। ओके तो ये है भाई जो एक साथ हम पर इतने सारे बुलेट फायर कर रहा था, पूरे ग्रुप में बैठे हुए हैं ये, इसको भी मैं एक ही साथ फिनिश कर देता हूँ पूरे बॉम्ब को गिरा के। चलो भाई बहुत ही अच्छे, एंड इसी के साथ हमारा डोर भी ओपन हो चुका है एंड अब देखना ये है कि हमें और किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलने वाला है। ओके तो मैं जाऊंगी, यहाँ पीछे झरना है एंड दाएं बाएं भी झरना है, तो चलते हैं भाई सामने। मैं तो ये देख के कंफ्यूज हूँ कि उस क्रिमिनल ने हमारे लिए इतने सारे एनिमी को भिड़ा के रखे हैं, भाई सच्ची में डेंजरस क्रिमिनल होगा वो तो पक्का। एंड भाई उस क्रिमिनल को पकड़ने में मजा तो बहुत आ रहा है, पूरा ट्रेजर हंटिंग वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे हम अपना लैंडिंग कर लेते हैं एंड ओके हमारा चेक पॉइंट भी। ओ भाई कौन हमें मार रहा है, ओ भाई साहब
ये बंदे ने कितने सारे एनिमी भिड़ा के रखे यार हमारे लिए, सबको एक एक करके फिनिश करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे यहाँ पर एक ही दिख रहा है एंड भाई दो तीन एरो खा चुका है एंड फिनिश होने का नाम ही नहीं ले रहा है एंड डैमेज भी हमारा बहुत सही है फिर भी फिनिश नहीं हो रहा है। चलो भाई अब ये तेरे लिए लास्ट एंड भाई एक ही बार में 223 का डैमेज, चलो बहुत अच्छे। एंड हमारा डोर भी ओपन हो चुका है तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या है वो क्रिमिनल। तो ओके इस तरफ तो हमारा रास्ता बंद है तो हमें इसी तरफ से जाना पड़ेगा एंड सामने में कुछ बॉक्स वॉक्स है एंड इस तरफ है भाई। भाई साहब पूरा नदी के अंदर बिजली फिटिंग कर रखी है इसने शायद, तो हमें सामने के डोर को ओपन करने के लिए पानी में जाना ही पड़ेगा एंड नहीं 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 पानी में तो कोई भी करंट नहीं है एंड हमें पूरा नीचे जाना पड़ेगा तभी जाके हमारा डोर ओपन होगा एंड हम लोग पानी के अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं। तो पता नहीं देखता हूँ यार कोई रास्ता वगैरह है सर अंदर जाने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे इस पानी से बाहर निकल जाता हूँ एंड देखता हूँ अगर कोई क्लू व्लू मिल जाए अगर इसके नीचे जाने के लिए। ओ नहीं हम लोग इसके बिजली को शूट कर सकते हैं। ओके बिजली बंद हो गई तो दूसरी तरफ का भी शूट करता हूँ। उम्मीद है इसे भी बंद करने के बाद हमें कोई चाबी वगैरह ढूंढने की जरूरत ना पड़े एंड इस तरफ की भी बिजली बन गई एंड भाई पानी का लेवल डाउन होने लगा। चलो भाई बहुत सही एंड यहीं से हम लोग डोर को ओपन कर सकते हैं। ओ भाई चल भाई डोर तो ओपन हो गया। ये वाला राउंड आसान था बस समझने की देरी थी एंड भाई यहाँ तो उस क्रिमिनल ने पूरा का पूरा एनिमी बिठा के रखा है। बाप रे इतना ज्यादा सिक्योरिटी में रहता है वो। तो भाई ये लोग भी मुझ पर शूट कर रहे हैं, मैं इससे अच्छा ना थोड़ा बहुत घूम घूम कर इस पे फायर करता हूँ जिससे उनका भी निशाना मिस हो एंड मैं तो भाई एक जगह रुक कर ही निशाने लगाऊंगा जब मारने का टाइम आएगा। तो एक पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको ठोकते हैं। वैसे मेरे एरो में दम तो बहुत है, मेरे क्रॉसबो में बहुत ही ज्यादा दम है। देख रहे हो एक एरो से 184 का डैमेज जा रहा है एंड भाई ये तो मुझे बहुत टाइम से परेशान किया जा रहा है। चलो इसका आधा हेल्थ तो चला गया एंड आधा मेरे सेकेंड एरो से एंड भाई इसी के साथ मैं इसको फिनिश ही कर देता हूँ। अब तक तो फिनिश हो गया शायद। और ये है भाई कहाँ गया यार, अरे यार वो निकलता भी नहीं है बिल्कुल कवर में ही रहता है एंड भाई ये वाला अभी तक बचा था। चलो भाई इसी के साथ फिनिश हुआ तो मुझे ऐसे ही एक एक करके फिनिश करना होगा गाइस। एंड ये वाला कहाँ गया, ओके यहाँ पास बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। चलो भाई 184 का गया एंड भाई चलो उसके क्रॉसबो में तो उतना दम नहीं है, 68 का मुझे डैमेज आया बट ये अरे भाई मेरा एरो कैसा हो गया भाई, मिस हो गया यार उसको लगा था बट। चलो भाई फिर से 184 का एंड ओ भाई दोबारा से आ गया, तीनों दोबारा से आ गया, शायद डैमेज रिकवर हो गया होगा एंड यहाँ तो भाई नीचे में और भी आ गया तो इनको भी फिनिश करना पड़ेगा एंड भाई ये चैलेंज तो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है मेरे को। सबसे पहले इसको फिनिश करता हूँ एंड भाई अब तू आ जा, इसके पास बर्फ वाला पावर रहता है एंड एम्बर के पास फायर वाला। अरे नहीं यार मेरा मूवमेंट स्लो कर दिया इसने बट मैं फिर भी इसको नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए मैं कोई सेकेंड कैरेक्टर लूँगी, नहीं इसी को लेते हैं। लो भाई अब अच्छा सा डैमेज गया इसको। चलो भाई मैंने इसको फिनिश कर दिया एंड कहाँ है भाई वो तीन बंदर ऊपर में थे वो, इनको भी एक एक करके अब दोबारा से ही फिनिश करना पड़ेगा। भाई ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है यार, पहले तो वो लोग दोबारा से हेल्थ रिकवर कर लेते थे अब तो जो मरा है वो भी दोबारा से आ गया। तो सबसे पहले तो इस फर्स्ट वाले को टारगेट करता हूँ। चलो 184 का डैमेज तो गया एंड सेकेंड भी इसी को ताकि दूसरे मट फायर करे यार, बस वही डर लगा रहता है एंड भाई उसके फायर से तो मैं बच ही गया। चलो बहुत सही, ये ना पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं एंड भाई इस कैरेक्टर को देखो बट एक ही बार में गया वो तो अच्छा खासा डैमेज लगा है। भाई इन लोगों से अच्छा यही है कि ना मूवमेंट करते हुए इन पे फायर करो तब जाके ये फायर नहीं कर पाया एंड भाई वो तो सीधा नीचे ही गिर गया। चलो बहुत सही, एक बार देख के आता हूँ वो कहाँ पे गिरा, मतलब भाई साहब सीधा इतना ज़्यादा फोर्स के साथ गया मेरा एरो कि वो सीधा नीचे ही गिर गया। बड़ा इंटरेस्टिंग था यार एंड मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट सभी को ख़त्म कर दिया है एंड ओपन करते हैं भाई अपने पोर्टल को एंड यहाँ से भाई मुझे एयर लिफ्ट पे फिर दोबारा से ग्लाइड करते हुए ऊपर चले जाना है एंड भाई ये तो काफ़ी फास्ट है एंड लगभग हम दो मंजिल ऊपर आ गए हैं एंड यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, शायद यही हमें को लेफ्ट लेकर जाना पड़ेगा। हाँ गाइस यहाँ से हमें को लेफ्ट लेकर सामने जाना पड़ेगा। चलो ये तो एक अच्छी बात हो गई कि हमको यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, नहीं आगे खतरा आ गए तो इनको जो है जल्दी से मैं एरो, ओ भाई इसके पास भी एरो है एंड ये लोग तो भाई मुझसे भी फास्ट है तो इसको ना एक को जल्दी से फायर वाला दो एंड तुरंत मूवमेंट करूँ, इसको भी फायर वाला दो एंड तुरंत मूवमेंट करूँ, ये सही। ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एंड चलो मेरे ख्याल से मैंने एक को फिनिश कर दिया एंड सेकेंड ही बचा है ये दूसरा वाला, इसको मैं जल्दी से फिनिश कर देता हूँ एंड ऐसा लगता है ये येटी के खानदान से है। हमने इसको भी फिनिश कर लिया गाइस एंड अब करते हैं डोर को ओपन। भाई इसका डोर जो ओपन होने का स्टाइल है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है एंड यहाँ भी हमें अपने ग्लाइडिंग का एग्जाम देना पड़ेगा तो चलते हैं। अच्छा है हम लोग क्रिमिनल को भी पकड़ लेंगे एंड अपना लाइसेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको नीचे चलते हैं,
नीचे उतर जाते हैं एंड देखते हैं भाई हमको क्या करना पड़ेगा। ओके भाई, तो इसकी खाई को देखकर एम्बर थोड़ी डरी हुई है एंड सोच रही है इसको कैसे पार करें करके। बट गाइस हमारा क्रिमिनल उस पार है तो उसने भी तो पार ही किया होगा, तो हमको भी इसमें जाकर पार ही करना पड़ेगा। बट हाँ, इसका हाइट बहुत ही ज्यादा है एंड सरफेस लेवल काफी क्लियर है, तो हम लोग इसको शायद ही पार कर पाएंगे। बट कोशिश करते हैं गाइस, पार हो जाएगा तो अच्छी बात है। एंड इतना लंबा ग्लाइड करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दिख ही रहा है ना भाई ये पार नहीं होगा करके। एंड देखो मेरा हाइट भी नीचे नीचे होता जा रहा है एंड भाई नीचे से हवा का प्रेशर है, इसीलिए वो क्रिमिनल इसको पार कर पाता है। वेल गाइस, तो हमने इस खाई को पार कर लिया है एंड करते हैं ओपन इस डोर को एंड देखते हैं भाई क्रिमिनल कहां पर है। ओके, तो क्रिमिनल तो यहीं पे है, तो भाई जल्दी से इन सबको फिनिश करना पड़ेगा यार, यहाँ भी एनिमी बिठा रखा है इसने। एंड गाइस इसके पास दोनों तरह के एनिमीज है, मतलब एक जो आइस वाला एबिलिटी रखता है एंड सेकेंड जो फायर वाला एरो फायर करता है। इन एनिमीज के लिए हमारी ना स्कारलेट बेस्ट है क्योंकि भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड भाई जमा दिया इसने, कोई बात नहीं, अब इसको पूरा ही फिनिश करना पड़ेगा। भाई फिर से जमा दिया इसने, तो दूसरे को पहले हटाओ भाई दूर एंड इसको अब अच्छे से देता हूँ। ये मोटा ना बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, पहले तो इसी को देखता हूँ क्योंकि भाई इसके पास ना वो अजीब सा पावर है, ये जमीन से कुछ निकालता है एंड हमारे ऊपर फेंक देता है। एंड भाई अभी तक तो इसने हम पर ऐसा कुछ फेंका नहीं है, मतलब हम पे अच्छे से यूज नहीं किया है उसने अपने पावर का। और एक बार कर दिया, देख वो क्या निकाल रहा है। एंड भाई देख सकते हो पूरा ही धुआं धुआं कर दिया इसने, तो इसको पहले तो ना पूरा फिनिश करना पड़ेगा। एंड लो भाई अब ये फिनिश्ड। ओके, थोड़ा सा हेल्थ बच ही गया था इसका, भाई हेल्थ तो बहुत था इसमें। मेन जो था ना वो मोटा ही था, तो उसको फिनिश कर दिया तो उतना टेंशन नहीं है। एंड इसको भी फिनिश करते हैं भाई, एंड इसका भी तो थोड़ा सा हेल्थ बचा है, पूरा खत्म हो गया शायद अब। एंड गाइस ये है अपना क्रिमिनल रैप्टर, इसको तो फिनिश करना बनता ही है, मतलब इसको पहले तो अकड़ इसका शांत करना पड़ेगा, फिर हम लोग इसको अपने एम्बर के हाथों में दे देंगे जो इसको नाइट ऑफ फेवेनियस के हाथ में दे देगा, मतलब की पुलिस के हाथ में मॉन्स्टेंट का। वैसे स्कारलेट की सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी ने क्या कमाल का हेल्थ इसका डाउन किया यार, की बार में पूरा आधे से ज्यादा। एंड हमने रैप्टर को पकड़वा दिया है एंड एम्बर भी हमें बोल रही है कि हमारा लाइसेंस जो है वो बनकर रेडी है, हम लोग मॉन्स्टेंट वापस जाएंगे तब हमें हमारा लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो हम भी चलते हैं भाई इस गुफा से बाहर एंड यार बाहर का व्यू तो सच्ची में कमाल का है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय।